शाजापुर जिले के सुजालपुर में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अमेठी में इतनी तिल मिलाई हुई है कि जो अमेठी में नमाज अदा करती है वह आज महाकाल दर्शन करती है, और कहा कि कांग्रेस का सेनापति अमेठी छोड़ वायनाड भाग गया है। यह डर हमें अच्छा लगा, लेकिन वो जादू जलवा मोदी जी का है जो आज कांग्रेस की सेनापति अमेठी से सांसद रहते हुए भी दो दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। वही कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि गांधी परिवार ही सबका मालिक है और बाकी के सब नौकर। परसों से बस यही प्रथा चलती आ रही है कांग्रेस में, चाहे वह बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो लेकिन वह नौकर ही है। और कहा कि आधुनिक भारत है, कांग्रेस की एक परत खोलेगा जनता के सम्मुख रखेगा। वही कहा कि जनता सब जानती है प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या रहती है। वही कहा कि कांग्रेस का सेनापति सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जनता को भ्रमित करते हैं, लेकिन राम लल्ला के सामने शीश नहीं झुकाते हैं, क्योंकि उस कांग्रेस की नेत्री को डर लगता है कि अगर मैंने राम लल्ला के सामने शीश झुका दिया तो मेरा वोटर भाग जाएगा। सोचिए आप, जो भगवान को छल दे वो इंसान के काम क्या खाक आएगा। और इस महामिलावट महागठबंधन के इरादे में कुछ अजब है। एक नेत्री जाती है राम लल्ला के शीश पे झुकाती है, दूसरी नेत्री जय श्री राम बोलने पर जेल भेज देती है। ये महामिलावट अपने आप में अद्भुत है। एक नेत्री मोदी को गाली बकती है, अपमानित करती है, बच्चों को इकट्ठा करती है, उनको अभद्र भाषा सिखाती है, और दूसरी नेत्री मोदी की। वही मंच पर उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, बेस विधायक इंदर सिंह परमार, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता परमार, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील जेथल सहित कई भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। बोलाए कला से मनोज विजयवर्गीय की रिपोर्ट। क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार 17 करोड़ लोगों को न जेवर गिरवी रखना पड़ा, न घर गिरवी रखना पड़ा, मुद्रा योजना से उनको आर्थिक सहायता मिली, वो स्वावलंबी हुए, अपने पैरों पर खड़े हुए और अपने घर में उन्होंने रोटी पहुंचाई। 19 तारीख को यही स्वाभिमानी हिंदुस्तानी पोलिंग बूथ पर जाएगा और कमल का बटन दबाएगा। पत्रकार मित्र बहुत